फ्रेंड्स, ये गोदरेज की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मॉडल आपको यहां पे दिख रहा है। इसका ये इनलेट वॉल्व लीक कर रहा है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। मशीन को खोलने के लिए मैंने पहले से खोल के रखा है। यहाँ पे दो स्क्रूज हैं, एक ये स्क्रू है और एक आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रू है। ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पे कुछ लॉक्स हैं। इसको पैनल को हल्का सा ऊपर उठाएंगे तो ये पैनल लॉक से निकल जाएगा। फ्रंट में भी कुछ लॉक्स हैं तो ये पैनल मैंने निकाल लिया है यहाँ पे। और ये वॉल्व लगा हुआ है सामने, हम लोग इस वॉल्व को चेंज करेंगे। ये वॉल्व आपको सामने दिख रहा है, इसको सिंपली हम पहले इसके कनेक्शन अलग करेंगे। लाइन से भी हमने इसका प्लग ऑफ किया हुआ है यहां से, और अच्छा ये है कि प्लग को हम लोग इसे बाहर निकाल लें। ये कनेक्शन निकालने के बाद इसको हल्का सा ऊपर पुल करेंगे और यहां पे रबर की फिटिंग है, ये खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। अब ये दूसरा वॉल देखें आप, हमारे पास मौजूद है जिसको हमें फिट करना है। थोड़ा सा आपको फर्क लग रहा होगा वॉल्स में। यहां पे कि ये एडिशनल पीस दिया हुआ है तो इसको हम लोग खींच के निकाल देंगे। इसी के साथ साथ एक रबर की यहां पे फिटिंग दी हुई है, इस रबर की फिटिंग को हम जो वॉशर ऐसा दिख रहा है आपको, हम इस पर लगा लेंगे तो इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास अगर स्क्रू ड्राइवर है तो महीन स्क्रू ड्राइवर से इसको पुश करके हल्का से यहां से एहतियात के साथ में पुश करेंगे तो ये एग्जिट आउट हो जाएगा। ध्यान से डैमेज ना हो। बहुत ध्यान से इसको आप अलग कर लीजिए और इसको हम प्रेस करके यहां पे लगा देंगे। हम लोग इस वॉल को अब इसमें कनेक्शन कर लिया है और यहां पे रबर का ये वॉशर दिख रहा है, इसको हम लोग स्लाइटली अंदर पुश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से आराम से और पुश करने के बाद इसको हम ऐसे बिठा देंगे। अब हम सारी फिटिंग को दोबारा से कंप्लीट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत टिपिकलिटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से ये वॉल हम लोग सिंपली चेंज कर सकते हैं। इसको भी जो आपने यहाँ पे ये देखा है, इसका जो ये मैग्नेट लगा हुआ है, इसके अंदर कॉयल है, इसको भी आप हल्का सा ऊपर पुश करके राइट लेफ्ट में टर्न अप कर सकते हैं। अगर ये वॉल में आपको उस साइड पे मिलता है या इस साइड पे मिलता है तो स्लोली इसको ऊपर पुश करके, ये लॉक दिया हुआ है प्लास्टिक का, ये हल्का सा पुश करेंगे तो बाहर आ जाएगा। इसको बाद दोबारा से इसको हम इसे प्रेस करके बिठा देंगे और ये अपनी जगह पे बैठ गया है और ये मशीन हमारी अब रेडी है। इसके ऊपर हम ये कवर लगा के इसको ओके कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।